जितनी ज़्यादा शहीदी होंगी हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होंगे, वो दर्द रहेगा हमारे परिवार का चला गया, लेकिन इसका एक एक का हिसाब लेंगे हम इस सरकार से। देखो ये बोल रहा है हरेंद्र विकलांग, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना भी फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ से हमारे साथ कई किसान जुड़ रहे हैं, एक वो व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं जो लगातार यहाँ से मोदी सरकार पर सवाल कर रहे हैं, और उनकी बढ़ती जबान को खींचने का मद्दा अगर कोई रखता है तो वो भी गाजीपुर से रखता है। आइए हम बात कराते हैं आपकी, आप बताएं, लगातार सरकार से बातें चल रही हैं, लव लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन जवाब उसका कोई नहीं आ रहा है। पहले जब यही प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के पहले थे तो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ लव लेटर लिखा जाता है, सीधी सीधी बातचीत होनी चाहिए। अब वैसे ही सिस्टम पूरा सरकार अपना रही है, किसानों से सीधी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लगातार टाला जा रहा है, बताएं। नहीं, बात चल रही है, हमारे 40-42 प्रतिनिधि जो हमारे बड़े हैं जत्थेदार हैं वो जा रहे हैं, बात हो रही है, पूंछ निकल गई है, हाथी बाकी है, परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, कौन कह रहा है, निकल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना। आप कह रहे हैं हाथी निकल गई है, पूंछ निकला, हाथी निकलना बाकी, हाथी बाकी है। सरकार भी यही कह रही है कि 50% बात बन गई है, किसान मान नहीं रहे हैं। 50% कैसे हो जाएगी, 50% चार कानून, चार जो देखिए सिलसिलेवार, बिल्कुल मैं उसको मान लूंगा 50%, वे पहले नंबर 1 और नंबर 2 को मान ले सरकार तो मैं 50% मान लूंगा, नीचे से 3 और 4 को मान लिया। अगर पीछे से चलोगे, बैक गियर लगाओगे तो देखिए हमारे यहाँ एक झोटा हो है, झोटा भैंसा कहे, झोटा कहे हम तो सीधा काम में झोटा कहे। अब झोटे को जब पीछे को हटाओगे तो पहले पीछे उसकी पूंछ जागी या मुंह जागा, आप बताओ। पूंछ जागी तो उसकी पूंछ आई है अभी हमारे हाथ में। वो दो कानून जो पीछे वाले थे 3 नंबर और 4 नंबर, वो पूंछ है, मुंह बातचीत बाकी है। तो अभी हम उसे ही कह रहे हैं कि हाथी पूंछ निकल गई है, हाथी बाकी है, और हाथी भी निकाल लेंगे, चिंता मत करो। 4 तारीख परसों फिर बातचीत होनी है, परिणाम जो हिसाब किताब लग रहा है, लग नहीं रहा है कि निकलेगा, आगे का क्या कारण है, कैसे होगा, साथ निकाल लेंगे। हमारे बड़े ऐलान कर चुके हैं, 26 जनवरी आ रही है ना, ट्रैक्टरों के साथ परेड निकाल लेंगे। पूरे हिंदुस्तान का किसान और इनके परिवार वालों जो ट्रेन है, ये ट्रेनें चला दें एक बार, क्यों नहीं चला रहे। अडानी अंबानी की जो ट्रेन बन रही है, 250 जो ट्रेनें हैं, उनका पीक आवर पे उनको देने के लिए पूरा टाइम टेबल चेंज कर दिया गया है, और इसी वजह से नहीं चल रही। किसान आंदोलन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन बाद ट्रेनें चल जाएंगी। इनको पता है अगर ट्रेनें चल गई तो जो महाराष्ट्र में बैठा है, जो तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, वो सारा किसान आ जाएगा यहाँ, तो ये इससे बचना चाह रहे हैं। और हमने कह दिया है, देखिए 25 जनवरी की रात किसान के लिए कयामत की रात है, किसान के लिए कि सरकार के लिए, किसान के लिए कयामत की रात है। अगर किसान है तो जिंदा है तो दिखना चाहिए। 25 तारीख की शाम तक सारा किसान दिल्ली के चारों तरफ होगा, और जो किसान नहीं होगा, जो किसान का हितैषी नहीं होगा, वो आरएसएस का होगा, और वो घर में रिजाई ओढ़ के सो रहा होगा, किसान बॉर्डर पे होगा। 26 जनवरी को हर किसान, हम लोग तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे, ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, हमारे हाथ में तिरंगा होगा, और जो तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस का गोला फेंकेगा, जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा, और जो जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो देशभक्त होगा, वो सच्चा किसान होगा। आप तिरंगे और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र विरोध पर आ गए, सरकार आपको राष्ट्रवादी नहीं मानती है, सरकार कह रही है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो खालिस्तानी है, तिरंगा लेके कैसे जाएंगे सरकार क्यों नहीं। देखिए अगर हम खालिस्तानी हैं, पत्रकार महोदय ये आपने कहा, नहीं सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, आज आपने हमसे कहा कि सरकार ऐसे कह रही है, हम चाहते हैं कि आप सरकार को जवाब दें, सरकार जो एक उन्हीं को दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दिन जब पंजाब उठ के आया था तो उसको खालिस्तानी कहा गया था, उनको कहा गया था पंजाब का है, लेकिन फिर हरियाणा उठा तो खालिस्तानी शब्द जो है वो कम हो गया, फिर हुआ कि ये तो पंजाब और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश नहीं आया। इनको ये नहीं पता, जब ही तो मैं कहता हूँ इनको पता ही नहीं खेती करने का,
उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है और गन्ने काट के उसको डालना है और उसी ज़मीन में हमें गेहूं बोना था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान दो दिन लेट उठा है। उत्तर प्रदेश के किसान की बात करते हैं आप, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो पगड़ी बांध ली, पग बांध ली, तो उनका समर्थन तो है ही सरदारों के प्रति, पंजाब के प्रति। तो ये क्या सब चल रहा है इस पे बताएंगे कुछ? किसने बांधी पगड़ी? योगी आदित्यनाथ ने। अरे यार ये योगी, अगर योगी यो ड्रामेबाज है। देखिए बहरूपिया होता है, और मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ भाई, देखना कि थोड़ा पीछे जाओ, कितना बड़ा बहरूपिया हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जी जी हम कर भाई, मैं आज आपको दिखाता हूँ उसको। मुंबई का लड़का समर्थन कर, मोबाइल से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इसको देख लीजिए और अपने इस पे दिखाइए कि एक प्रधानमंत्री के कितने चेहरे होते हैं। अब देख लो इसमें सींग भी लगे हैं प्रधानमंत्री महोदय के, सबसे ऊपर वाले में कोने में इधर। एक ड्रामेबाज बहरूपिया क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, पगड़ी बांधने से अगर सरदार हो जाते हैं तो हम भी सारे सरदार हो जाते। एक संजीदा सवाल बोलो, यहाँ लगातार शहीदी हो रही है, दो दिन में लगातार दो लोग शहीद हो गए, इससे आंदोलन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या रणनीति बदलेगी? देखिए हमारे परिवार के आज 53 लोग शहीद हो चुके हैं, या जिस भी बॉर्डर पे पड़े हैं सारे हमारा परिवार है, किसान परिवार है हमारा परिवार, 53 लोग चले गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये ना समझे सरकार कि हमारे परिवार के एक एक करके कम होते जा रहे हैं, हमारे आंदोलन पे कोई फर्क पड़ेगा? जितनी ज़्यादा शहीदी होंगी हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होंगे, वो दर्द रहेगा हमारे परिवार का चला गया, लेकिन इसका एक एक का हिसाब लेंगे हम इस सरकार से। जो भी हमारा एक एक किसान जो शहीद हो रहा है इस आंदोलन के ख़त्म होने के बाद, एक एक किसान की शहादत का इनसे हिसाब लिया जाएगा। ये सरकार कान खोल के सुन ले, हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और मजबूत होगा। कैसे लेंगे हिसाब, कैसे लेंगे हिसाब सरकार से, सरकार के लोगों से? ये परमानेंट कुर्सी नहीं है जिस पे ये बैठे हैं, हर 5 साल में बदलती है, एक ना एक दिन कुर्सी से इन्हें भी नीचे आना है। अहंकार बहुत था, अहंकार हमने कांग्रेस राज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी जी, आप भी कान खोल के सुन लेना, वीर बहादुर जी थे यहाँ पे, उन्होंने भी एक हमारे आंदोलन में ऐसी अहंकारिता दिखाई थी, और जब हमने अपनी लाठी कसी थी ना तो वीर बहादुर को वहाँ सिसोली में बुला के जून जुलाई में गर्मी में करवे से पानी पिला दिया था, हम तो वहाँ झुका दें। तो हम झुकने वाले नहीं, काले कानून, हमने काले कानून, हमने 1987-88 में वोट क्लब पर 7 दिन आंदोलन किया, हमने वहाँ सरकार झुकाई। हमने 1987 में मेरठ 27 दिन आंदोलन किया, हमने वहाँ झुकाई। और किसान आंदोलन में 17 बार जेल जाने वाला, ये आपके सामने दधीची की हड्डी घड़ा है, तो ये डरता नहीं है, ना डरता। तो फिर सरकार जेल में डाल देगी, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कितने दिन? दिन तो सरकार तय करेगी। सरकार क्यों तय करेगी? तय करती है, तय करता है न्यायालय, न्यायालय करता है, न्यायालय पर सबको विश्वास है, हमें भी न्यायालय पे विश्वास है, जब मर्जी हो जेल भेज दो। एक ही कहावत है सरकार, योगी जी कान खोल के सुन ले और मोदी भी सुन ले, तुमने कहा ना जेल में डाल देगी, तो कान खोल के सुन ले। देखो ये बोल रहा है हरेंद्र विकलांग, नाम भी बता रहा हूँ, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना भी फ्री, ये चैलेंज है मेरा। आप देख रहे थे, ये कह रहे थे आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री, बिल्कुल। तो लगातार यहाँ से किसान भाई सरकार को ये चुनौती दे रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, सरकार ज़रूरी है कि अपने ये जो बिल लेके आई है उसको वापस करे, वरना हम यहाँ धरना देंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा एक सवाल आप बताइए, आपको पूरा देश देख रहा है, आप बहुत वायरल भी हो रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है देख रहा है, मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं?
चश्मा अभी वो बनवाना पड़ेगा उनका, सुनेंगे चश्मा बनवाना पड़ेगा। 26 तारीख को चश्मा लेके जा रहा हूँ ना, ये सारा किसान जा रहा है ना 26 तारीख को, 26 जनवरी को वो वहाँ आएंगे परेड में और अपने दोस्तों के साथ आएंगे। तो हम सब एक चश्मा बनना दिया है, उनकी आंखें टेस्ट हम करा चुके हैं। अच्छा, हाँ टेस्ट करा ली है और चश्मा बनना है। 26 तारीख को चश्मा भी दे देंगे, फिर उन्हें दिख जाएंगे। मैं दिखूं ना दिखूं, हाँ। मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं दिखूं ना दिखूं, ये किसान दिखना चाहिए, उनको वो बिल दिखना चाहिए जो हमें फाड़ना है, जो उनसे फड़वाना है। हम नहीं फाड़ेंगे, उन्हीं से फड़वाना है। MSP पे कानून भी उन्हीं से बनवाना है। ये हम कराएंगे और चश्मा दे देंगे, सब दिख जाएगा।